नवरात्रि में डांस क्यों करते हैं? नवरात्रि में फास्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? हम जो भी करते हैं ऐसे ही करते हैं या उसके पीछे कोई रीजन? तो चलिए नवरात्रि की ब्यूटी को ढूंढते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स हम नवरात्रि के पीछे का लॉजिक ढूंढने वाले हैं और एक काफी बेसिक सवाल पूछने वाले हैं, Why do we do what we do? ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या हमारे traditions सिर्फ traditions है या उनका इस modern दुनिया में कोई importance है? अगर आपको लगता है that what we are saying makes sense, तो इस वीडियो को शेयर करें। Number one, हम नवरात्रि में fasting क्यों करते हैं? देवी को खुश करने के लिए? Yes, लेकिन एक unexpected देवी को। Okay, just listen to this. This theory really blew my mind. School में हमने science में क्या सिखा ये याद रहे या ना रहे? एक चीज कोई नहीं भूलता। Mitochondria is the powerhouse of our cell. In simple words, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। But did you know that हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ हमारी मदर से आता है? Yes, यानी जो चीज हमें पावर देती है, लिटरली शक्ति देती है, वो डायरेक्टली हमारे माँ के वंश से हमें कनेक्ट करती है। कोई भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता कि क्यों और कैसे ये डीएनए सिर्फ मदर्स के ही साइड से आता है। देवी रिप्रेजेंट्स एन ओमनीप्रेजेंट कॉस्मिक एनर्जी। दुर्गा माँ को हम सबकी कॉस्मिक माँ कहते हैं। Who knows? Maybe the शक्ति that we are referring to in this festival, वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। हर चीज की तरह माइटोकॉन्ड्रिया को डीटॉक्स की जरूरत होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे साइंस ने ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं। जब हम उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तब हम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरह से रेस्ट देते हैं, जिससे एज रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मे बी हम अपने अंदर की इस फेमिनिन हेरिटेज को हेल्दी रखने के लिए उपवास करते हैं। और ये चीज इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अब पूरी दुनिया डिस्कवर कर रही है, वो हम सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ये कितना पोएटिक है और कितना ब्यूटीफुल। नंबर टू, नवरात्रि इज अबाउट आवर प्लैनेट। यस, आई विल एक्सप्लेन। आपको तो पता ही होगा अर्थ सीधी नहीं, थोड़ी टेढ़ी है। अर्थ का एक्सेस 23 डिग्री टिल्टेड। लुक एट दिस इलस्ट्रेशन। इस 23 डिग्री टिल्ट की वजह से अर्थ तक आने वाले सनरेज साल के कुछ टाइम के लिए थोड़े सीधे होते हैं और कुछ टाइम के लिए थोड़े टेढ़े। इस टिल्ट की वजह से हमें अलग अलग सीजन्स मिलते हैं। हमारे कल्चर के काफी सारे फेस्टिवल्स हमारे सीजनल चेंजेस को सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट लाइक इन ऑटम अ ट्री लूजेस इट्स लीव्स सो दैट नए लीव्स आ सके, वैसे ही हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। हमारे यहाँ वीकेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, तो ये फेस्टिवल्स एक ऐसे टाइम हुआ करते थे जहाँ पे लोग अपने काम से ब्रेक लेकर अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सकते थे। सितंबर अक्टूबर के बाद दिन छोटे और रात लंबी होने लगती है, और अकॉर्डिंगली हमें हमारे स्लीप साइकिल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। नवरात्रि के 9 दिन इन चेंजेस का एक रिमाइंडर है, एंड दैट्स व्हाई नवरात्रि इज सो ब्यूटीफुल। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम नवरात्रि में डांस क्यों करते हैं? अलग अलग कल्चर्स नवरात्रि को अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ जगहों पर शास्त्रीय संगीत और कुछ जगहों पर गरबा डांस और सेलिब्रेशन होता है। क्यों होता है? ताकि आपके नेगेटिव एनर्जीज कम। थिंक अबाउट इट, डांस एक ऐसे एक्टिविटी है जो करते वक्त कोई भी नेगेटिव या दुखी नहीं होता। इसका रीजन है एंडोर्फिन्स। ये हमारे बॉडी का एक फील गुड केमिकल होता है। ये हमारे पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है और एक हैप्पीनेस बूस्टर जैसे काम करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डांसिंग किसी भी एक्सरसाइज से ज्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। अपने अंदर के एनर्जी से कनेक्ट करने का डांस एक मेथड है, और ये हमारे एंसेस्टर्स को पता था, इसीलिए वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। आप जब लोगों से मिले तो खुद भी पॉजिटिव फील करें और लोगों को भी पॉजिटिव फील कराएं। दैट इज अ कोर थॉट एंड इट इज ब्यूटीफुल। ड्यूरिंग नवरात्रि वी आर वर्शिपिंग अ गॉडेस एंड वी आर ऑल्सो एक्नॉलेजिंग चेंज। हम हमारे बॉडी के अंदर की शक्ति को, टेक्निकली स्पीकिंग माइटोकॉन्ड्रिया को, हमारे डाइट को कंट्रोल करके हेल्दी रखते हैं और हमारे आसपास होने वाले सारी नेगेटिव चीजों से डिटॉक्स लेते हैं। ये कितना सिंपल है, और सिंपल चीजें नेचुरली ब्यूटीफुल होती हैं। सच में जब हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि साइंस और कल्चर दोनों एक साथ एक ही पंडल में रह सकते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है डोंट आस्क व्हाई, क्योंकि बड़ों के पास बच्चों के कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। इस एटीट्यूड की वजह से सवाल कम नहीं होते, कंफ्यूजन बढ़ता है। और इसी एटीट्यूड की वजह से हम हमारे पुराने नॉलेज से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ट्रेडिशंस को उनका एसेंस समझे बगैर ही फॉलो कर रहे हैं। हमें इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। जब हम रेलेवेंट सवाल पूछते हैं, तब हमारे फेस्टिवल्स कैसे होने चाहिए, मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, पटाखे जलाने चाहिए या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस इररिलेवेंट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीजें हमारे कल्चर में जो आपको कंफ्यूज करती हैं? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नवरात्रि इज डेडिकेटेड टू द गॉडेस ऑफ लर्निंग। तो चलो इस नवरात्रि पुरानी चीजों को एक नए तरीके से सीखते हैं, हर तरीके की नेगेटिविटी को मिनिमाइज करते हैं और अपने अंदर की एनर्जी को मैक्सिमाइज करते हैं। लॉजिकली सोचकर मैजिक को जिंदा रखते हैं, क्योंकि ऐसे ओपन माइंड रखने से मुझे फर्क पड़ता है।